असलामु अलैकुम। उम्मीद करने हैं तुसी सब खैरियत ना हो गए। तो मैं एक नवी एक्टिविटी शुरू करने लगा वहाँ, वो इस करके कि इंशाल्लाह ताला मैनू उहदा फायदा हो रहा है। न्यू फैंसीयर ते ओल्ड फैंसीयर, जेडे पुराने ब्रीडर ने वह भी, तो नवे ब्रीडर जेडे आ रहे हैं इस होबी के विच वह भी। इस सेरा जाता लव बर्ड रहे सिर पर, क्योंकि मैं लव बर्ड रखे हैं तो मैं लव बर्ड का प्रमोटर हाँ। इंशाल्लाह इस चीज तो सब नूं फायदा होएगा। वो होएगा कि मैं अज गया था डॉक्टर इरफान साहब को, डॉक्टर साद को, दोनों हजरात दोनों डॉक्टर साहिबान ना मेरी मुलाकात हुई। तो उन्होंने नाल बैठ के मैं मीटिंग की है कि असी हर 15 दिन बाद पंजाबी लव बर्ड चैनल के उत्ते लव बर्ड तो रिलेटिड किसी ना किसी इशू के उत्ते गुफ्तगू करा करेंगे। डॉक्टर बैठेंगे और गुफ्तगू होएगी, वो लव बर्ड की बीमारी के हवाले ना होए, लव बर्ड की ब्रीडिंग के हवाले के नाल होए, किस एज तक लव बर्ड ब्रीड करता है, कितों शुरू होता है, सारी एक एक चीज़ असी इंशाल्लाह ताला डॉक्टर हजरात के नाल बैठ के डिस्कशन करांगे। तो मैनू यकीन है कि सिर्फ मैनू ही नहीं, तुहानू सबनू भी बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो मैं चाहना वा कि तुसी मेरा इस काम से साथ दिओ, लव बर्ड होबी नू प्रमोट करन, ताकि असी डॉक्टर की जुबानी देखो कोई मसला किसी को लव बर्ड के हवाले के नाल आंदा है, किसी किस्म का भी मसला आता है, बर्ड की बीमारी के हवाले का कोई मसला आता है, तो कोई मनु कॉल करता है तो मैं उन्हें अच्छा नहीं दस सकता जिन्ना अच्छा डॉक्टर दसेगा। ठीक है जी, तुसी किसी और सीनियर ब्रीडर भी फोन कर दो तो वो उन्हें अच्छे तरीके नहीं दस सकता जिन्हें अच्छे तरीके एक डॉक्टर तुम्हें गाइड कर सकता है। ठीक है, तो लिहाजा पंजाबी लवर चैनल सबसक्राइब करो ताकि हर आने वाली वीडियो तक पहुँचती रहे। डॉक्टर साहब के नाल जो मैच बनाई है वो मैं क्लिप जोड़ देंगा, उसे भी उन्होंने जिक्र किया कि अभी इंशाल्लाह ताला वीडियो बनाना शुरू करने लगे हैं। तो जनाब पंजाबी लव बर्ड में ज्वाइन करो, तो आओ मिल के लव बर्ड होबी प्रमोट करिए, पाकिस्तान से काम करिए। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मेडिकल स्टोर से हैं जी, डॉक्टर इरफान साहब तो डॉक्टर साहब साहब अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। तो माशाल्लाह जी लास्ट टाइम जो वाइम बूस्टर असी इस्तेमाल करवाया सी, बड़ा अच्छा रिजल्ट आया सी। तो डॉक्टर साहब को असं आए हैं, डॉक्टर साहब ना कुछ गलबात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब अनफर्टाइल का जो इशू आ रहा है, तुम भी अक्सर फोन आ रहे हैं, तो उस हवाले ना साढ़े दोस्तों कुछ ब्रीफिंग दो। आजकल ज़्यादातर लोगों का इशू आ रहा है अनफर्टिलिटी का, कहते हैं कि जी हमारे पास बहुत सा मतलब अंडे जो हैं पहले कच के ज़ाया हो गए हैं, दोबारा उन्होंने अंडे दिए फिर ज़ाया हो गए हैं। तो उसके ऊपर इंशाल्लाह ताला आप डिटेल वीडियो भी पंजाबी लवर के साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो फिलहाल जो अभी इस टाइम थोड़ी सी शॉर्ट आप उससे बात करूँ तो ये रेड आई के बच्चे जो लोग बहुत ज़्यादा डेड हो रहे हैं, बच्चे निकलते हैं इतनी मेहनत करके 15-20 दिन 25 दिन बाद बच्चा निकलता है और वो अगले दिन ही मर जाता है, या 24 घंटे 48 घंटे बाद मर जाता है। तो उसका बेहतरीन हल पहले वाइन बूस्टर था, पर वाइन बूस्टर की शॉर्टेज की वजह से लोग बहुत परेशान, बहुत मुश्किल पर पेश आ रही है। तो उसके ऑल्टरनेट में नवा सा लेक ड्रिप आई है, ये भी जो है रेड आई की सर्वाइवल के लिए इस्तेमाल की जा रही है। इसके बारे में सिंपल सा ये थी कि जो ब्रीड आपके पास आई है और वो आगे चल नहीं रही, उसके लिए आप नोवासोर वाइन बूस्टर की जगह यूज करेंगे 1 cc 1 liter पानी में, इंशाल्लाह ताला ये ब्रीड को बढ़ाता भी है और बच्चों को सर्वाइव भी करवाता है। थैंक यू। अनफर्टाइल अनफर्टिलिटी के लिए बाकी आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में डिटेल में इम्यूनोटोन आप इस्तेमाल करें फिलहाल, बट इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो जब हम आपके साथ शेयर करेंगे पंजाबी लव बर्ड के ऊपर, तो इंशाल्लाह ताला डिटेल में बात करेंगे कि इसको किस तरीके से इंशाल्लाह ताला हल किया जाए। थैंक यू डॉक्टर साहब।